आपको लाइव पढ़ा रही हूँ। ये हिंदी मीडियम की क्लास है 10th की, ओके। एंड टॉपिक है अर्थशास्त्र का लेसन सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। सेकंड चैप्टर है आपका, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते क्या है, आर्थिक गतिविधि होती क्या है। टॉपिक है आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र। प्रत्येक वर्ग यानी कि कोई भी कार्य धन कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य आर्थिक गतिविधियों में गिना जाता है या आर्थिक विधि गतिविधि कहा जाता है, ठीक है। तो आर्थिक गतिविधि के जो क्षेत्र हैं वो आपके तीन हैं। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र, दूसरा है संगठित और असंगठित क्षेत्र, और तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ये जो लेसन सेकंड है आपका, पाठ दो है अर्थशास्त्र का, उसमें ये जो टॉपिक है यही क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो के थ्रू अभी मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था, ठीक। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र होता है, तो ये सीधा क्या होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। खेती करना, मछली पकड़ना, रेशम कीट पालन करना और जितने भी कार्य प्रकृति से सीधे लगे हुए होते हैं, चाहे वो वनों से संबंधित हो, वो सारे आपके आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक। द्वितीयक क्षेत्र, जितने भी उद्योगों से संबंधित काम होते हैं, कारखाने, मिलों में किया गया जो वर्क होता है वो होता है द्वितीयक क्षेत्र, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। फिर होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट और जो संचार एवं सूचना और भी कई तरीके के क्या हो, ये सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र यानी कि इसमें कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता, कोई वस्तु में प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये क्या है, सेवा इसके जरिए मिलती है, यानी कि नौकरियां सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र से मिलती हैं, ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र मैं इसी के बारे में बताऊंगी। पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कोई एक क्षेत्र अकेले में ये प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है रॉ मटेरियल का यानी कि कच्चे माल का, जैसे कि आपका कपास, गन्ना, फिर जो कच्चा माल होता है वो द्वितीयक क्षेत्र में जाता है, यहाँ उसे वस्तुओं में कन्वर्ट किया जाता है। वस्तु या कोई खाने पीने का, जैसे कि कपास है, उससे क्या बनाया गया, यहाँ पे कपड़ा बनाया गया, क्लोथ प्रिपेयर किए गए, ठीक है। और गन्ना जो है, यहाँ पर उससे चीनी बनाई गई, गुड़ बनाया गया, ठीक। अब इसका वर्क इसमें हो गया, अब इसका काम ये करेगा, कपड़ा है तैयार हो के फैक्ट्री में नहीं रह सकता, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो आता है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये तीनों क्षेत्रों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है भारतीय अर्थव्यवस्था में या आर्थिक गतिविधियों में, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कौन है। तो देखिए, शुरुआत में यानी कि जब इंडिया, भारत स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा क्षेत्र था, प्राथमिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसमें से ही उत्पादन होता था और लोग क्या थे, सीधे प्रकृति से जुड़े थे, तो सबसे ज्यादा इसका योगदान था देश को आगे बढ़ाने में। लेकिन थोड़ा और टाइम चेंज हुआ, यानी कि 1973 समथिंग टाइम आया, तो उसमें क्या हुआ, उद्योगों का भी उत्पादन होने लगा। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जितना भी उत्पादन हुआ, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में का उत्पादन, द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादन, और इसका कितना परसेंट सेवाएं मिली है, उन सबका परसेंटेज निकाला जाता है सकल घरेलू उत्पादन में, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि मतलब इन लोगों का कितना, यानी ये जो सेक्टर है, क्षेत्र है, इन्होंने सकल घरेलू उत्पादन में अपना कितना परसेंट योगदान दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर जैसे कि और उत्पादन हुआ और नई वस्तुएं बनी, तो द्वितीयक क्षेत्र कम है तो बड़ा, फिर
फिर तृतीय क्षेत्र का और ज्यादा महत्व बढ़ा। लेकिन आज का अगर टाइम कहें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तृतीय क्षेत्र, क्योंकि इसमें आप कम्युनिकेशन, पढ़ाई से संबंधित, संचार से संबंधित, सेवा से संबंधित, नौकरियों से संबंधित, इन दोनों क्षेत्रकों के उत्पादनों से संबंधित ये क्षेत्र इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र। देखिए संगठित क्या होता है, संगठित क्षेत्र जिसमें कि व्यक्ति को पता है वो किसी सरकारी संस्था से जुड़ा है, संगठित है, ठीक है, तो वो आता है आपके संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में आएगा मजदूर, जिसका कोई भी कल का मतलब कहें आज उसको वर्क अवेलेबल हो गया, कल उसको वर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो आता है आपका असंगठित क्षेत्र में। इसमें जो तृतीय क्षेत्र है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तृतीय क्षेत्र का जो बढ़ता महत्व है अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, डाक सेवाओं, पुलिस स्टेशन, बैंकों, बीमा कंपनियों के प्रशासनिक कार्यालयों, रक्षा आदि जैसी बुनियादी सेवाओं की मांग बढ़ गई है। प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में अच्छे विकास ने परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि जैसे सेवा क्षेत्र के विकास की मांग को प्रेरित किया है। देखिए जब इन लोगों प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जब उत्पादन बढ़ा तो तृतीय क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ। इसके बाद जो है आय में वृद्धि, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आदि जैसी बेहतर जीवन शैली के साथ वैश्वीकरण के कारण कुछ नई सेवाओं का भी उदय हुआ है। कम उत्पादकता के कारण बहुत से छोटे सेवा क्षेत्र अच्छी तरह से विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का केवल एक छोटा खंड उच्च कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार देता है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो है तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। ये लोग क्या है, उत्पादन करते हैं। अगर माना जाए तो अभी भी भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि खेती का काम, खेती के काम में सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या अभी भी जुड़ी हुई है। उद्योग है लेकिन उद्योगों में क्या है, श्रमिकों की संख्या भी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड वो संख्या नहीं रख सकते हैं। फिर आपका तृतीय क्षेत्र में सेवा के कई सारे अवसर होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो था संगठित और असंगठित क्षेत्र, उसके बारे में बात करूंगी। तो देखिए वे उद्यम या कार स्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, वहां पर आपका जो रोजगार की अवधि होगी वो क्या होगी, नियमित होगी, यानी कि उनका टाइम क्या होगा, निश्चित होगा और सुनिश्चित होगी कि आपको कितने साल तक काम करना है। संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। इन उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत भी किया जाता है और इन्हें कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेजुएटी अधिनियम, भुगतान आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत बनाए गए नियमों को पालन करना पड़ता है। देखिए जितने भी सरकारी जॉब्स होते हैं तो उसमें क्या है, कई सारे नियम बना दिए गए होते हैं, यानी कि उन्हें मंथली क्या है, पेमेंट दी जाएगी, मंथ में उन्हें कितनी छुट्टियां हैं वो बताई जाएंगी कि उनके उन्हें कितने अवकाश दिए जाएंगे, ठीक है। प्लस उनका एक साल में क्या होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें कितने सालों तक वर्क करना होता है। सालों तक वर्क करने के बाद उन्हें ये भी पता होता है कि जब वो रिटायर्ड होंगे तो उन्हें कितना अमाउंट सरकार की तरफ से मिलने वाला है। तो ये हो गया संगठित क्षेत्र, यानी कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसे पता है कि उसे बाद में क्या मिलने वाला है, यानी आज उसके पास काम है तो कल भी उसके पास काम है। संगठित क्षेत्र गवर्नमेंट जॉब एक उदाहरण है। दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र वे उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है, छोटी छोटी, देखिए असंगठित क्षेत्र वे उद्यम होते हैं, उद्योग होते हैं जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है। छोटी छोटी और बिक्री इकाइयां जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है असंगठित क्षेत्र कहलाती है, यानी कि इस पे सरकार के कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं किए जाते हैं, वो असंगठित क्षेत्र में आती है। इन क्षेत्र में श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है, उन्हें ओवरटाइम का भुगतान, सवेतन छुट्टियां या बीमारी के कारण भुगतान की छूट भी नहीं दी जाती।
मरम्मत कार्यकर्ता, घरेलू नौकर, इसी तरह के अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए शहर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में भूमि रहित कृषि मजदूर, छोटे एवं सीमांत किसान, जो सीमांत किसान क्या होते हैं, जो दूसरों की भूमि पर काम करते हैं, कारीगर, इस क्षेत्र में किसी भी कारण के बिना कामगार को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है, सरकार जो सरकारी उससे जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या है, अचानक उनकी नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, उनको क्या है, पहले प्रमाण देना होता है कि आपको नौकरी से क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र होते हैं इनमें कभी भी व्यक्ति को कोई भी सूचना दिए उसको बताया जा सकता है कि आप कल से काम नहीं कर सकते, कि आपको निकाल दिया गया है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में रोजगार असुरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक और भूमिहीन मजदूर भी इस श्रेणी में आते हैं। इज दैट क्लियर? ये दोनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सेकंड लेसन है। ज्यादातर अगर कहें तो इसको अगर एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है तो मोस्टली मार्क्स जो नंबर होते हैं वो इसमें रखे गए। ठीक है, तो यू आर हैव अ बुक, सो रीड द टॉपिक एंड प्रिपेयर द टॉपिक। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे